और जो पुण्यात्मा परमात्मा के संग में कभी किसी युग में रहे हैं तो वो पुण्यात्मा ही आज परमात्मा की तरफ अग्रसर हुए हैं। तो दुर्भाग्य है उन प्राणियों का जो परमात्मा की खोज में और काल के ग्रुप में जाकर सेट हो गए। वो काल के ग्रुप कौन कौन से हैं? पुण्यात्मा काल ने इस ज्योत निरंजन ने कहा था कि परमात्मा की इसकी वार्ता हुई थी तब कहा था कि भगवान तीन युगों में जीव थोड़े ले जाना, सतयुग त्रेता द्वापर में कम जीव वापस ले जाना अपने लोक में, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तब शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजे तब तो गवन संसार ही कीजे। परमेश्वर कबीर जी अपने पुत्र जोगजीत का रूप ना करके इसके 21वें ब्रह्मांड में वार्ता की थी। इसने पहले तो झगड़ा किया भगवान से, लेकिन समर्थता के सामने इसकी पार नहीं बसाई। फिर इसने चापलूसी का सहारा दिया, चरण पकड़ दिए और कहा आप किस उद्देश्य लेकर आए हो, क्या उद्देश्य लेकर आए हो? तो परमात्मा ने इसको सारा स्पष्ट कर दिया कि मैं जाऊंगा तेरे नीचे के लोकों में और तूने इन प्यारी आत्माओं को कितना कष्ट दे रखा है, कोई पशु बना दिया, कोई पक्षी बना दिया, कोई कुत्ता बनाया, कोई गधा बनाया, मनुष्य बनाए तो इनके साथ कितनी यातनाएं दे रहा है। मैं इन प्राणियों को जाकर बताऊंगा कि तुम जिस लोक में रह रहे हो ये काल का लोक है, तुम सतलोक के रहने वाले हो, और सतलोक में जाने की जो विधि जो मंत्र है वो मेरे पास है, वो इनको दे दूंगा, फिर ये सतलोक आएंगे। तो फिर इसको चिंता होगी, पहले तो परमात्मा के साथ लड़ाई करनी चाहिए, लेकिन परमात्मा ने कहा धर्मदास नाम के एक महापुरुष जो परमात्मा की उन प्यारी आत्माओं में से हैं जिनको भगवान मिले थे, उसको बता के धर्मदास जब इसकी पार नहीं बसाई मेरे ऊपर, इसने अटैक किया, मैंने श्वास का सिमरण कर दिया, सतनाम के श्वास उस श्वास का सिमरण कर दिया, जिस कारण से काल नीचे जा गिरा बहुत दूर पाताल में। पुण्यात्माओं परमात्मा कबीर जी हमें सतर्क करते हैं, आप जी के ऊपर कभी कोई आपदा आवे तो सतनाम का सिमरण तुरंत शुरू कर देना, ये अभ्यास बना लेना। ना यम के दूत निकट आएंगे, ना काल निकट आ सकता, तुरंत अगर आ भी गया है तो बहुत दूर चला जाएगा, आपको कोई हानि नहीं कर पाएगा। तो उसमें परमात्मा ने यही बताया कि उसके बाद फिर जब इसने देखा कि इनके पास बहुत शक्तिशाली मंत्र है, चरण पकड़ दिए, तब कहा था कि आप किस उद्देश्य लेकर जा रहे हो, परमात्मा ने सब बताया जैसा दास ने भी वर्णन किया। फिर इसने कहा जी कोई बात नहीं, जैसे आपकी इच्छा वैसे कर लेना, पर मुझे कुछ आवश्यकताएं हैं वो मेरी पूरी कर देना। परमात्मा ने कहा बोलो। इसने कहा ऐसे नहीं, आप वचनबद्ध हो जाओ। तो परमेश्वर कबीर जी वचनबद्ध हो गए। तब इसने कहा था कि तीन युगों में जीव कम ले जाना और चौथे युग कलयुग में कितने ही जीव ले जाना, और परमात्मा एक दया और करना, आप अपना ज्ञान देकर ले जाना, आपके ज्ञान को स्वीकार करें वो आपके, मेरे ज्ञान को स्वीकार करें वो मेरे, उन पर उनको बलपूर्वक ना ले जाना। परमात्मा को सब पता था कि बलपूर्वक अगर ले भी जा सकता हूँ मैं, फिर ये रुकेंगे नहीं वहाँ, क्योंकि इनकी आस्था यहीं पर
जमा हो रही है, पहले इनकी आस्था हटाऊंगा, इनको ऐसा ज्ञान दूंगा कलयुग में और प्रमाण दिखाएंगे, तो फिर ये अपने आप इनकी रुचि सतलोक में हो जाएगी। अपने आत्मा तब काल ने जो पता लगा कि अब सारे वचन मान लिए, तब कहने लगा जाओ जोग जीत संसारा और जीव न माने कहा तुम्हारा। द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, इन द्वादश पंथ नाम जो ले ही सो हमरे मुख आन सबोही। और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को बरमाऊं। देवल मंदिर को कहते हैं, देवल तीर्थ और देव पूजाऊं और तीर्थ व्रत और नकली जप तप मन लाऊं, इन मैं उड़ जा दूंगा और जाओ जोग जीत संसारा, फिर जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओर हो बाद बखाने। हमारे वकील बन जाएंगे वो काल के दो तेरे बच्चे, उनको इतना मिसगाइड करवा दूंगा अपने दूत भेज कर 12 नकली पंथ और उसके बाद और पंथ अनेक चलाऊंगा, इस विद जीवों को भरमाऊं। तब परमात्मा ने कहा ठीक है, तू अपने सारे काम कर लिए, जितने दाव तू लगावेगा काल। परमात्मा ने कहा था जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा तब मैं अपना अंश भेजूंगा। पहले तो परमात्मा ने कहा था मैं स्वयं आऊंगा, उनकी मौज है वो आप आवें या अपना प्रतिनिधि भेज दें, एक का बात होती है। तो पुण्यात्मा इस काल ने कबीर पंथ के अंदर भी अनेकों नकली पंथ चलवा दिए और किसी के पास नाम नहीं, किसी के पास वो परमात्मा वाला विधान और ज्ञान नहीं। अब एक जैसे ये 12 पंथों के विषय में तो आपको बहुत बार दिखाया है, एक और पंथ है कबीर पंथ के अंदर जो अपने आप को पारखी बोलते हैं, जो अपने आप को पारखी संत कहते हैं, और वो कबीर परमेश्वर जी को अपने पंथ का यानी कभी इस पारख पंथ का प्रमुख मानते हैं, और वो केवल परमात्मा द्वारा बोली गई वाणी जिसको एक बीजक ग्रंथ कहते हैं, कबीर बीजक, उस वाणी को ये पारखी संत सत्य मानते हैं। और कहते हैं कबीर साहब ने जो वाणी बोली है ये सारी सच्ची है जो बीजक में लिखी है। अपने आत्माओं अब ये यथार्थ ज्ञान परमात्मा के बच्चों तक पहुंच रहा है इस चैनलों के माध्यम से, सीडी के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, और ये भी प्रमाणित हो रहा है क्योंकि बुद्धिमान समाज है, आज कोई बालक नहीं। अभी तक इन पुण्यात्माओं को ये पता ही नहीं लगा था कि जिनको हम संत मान रहे हैं ये संत नहीं असंत हैं, ये तो आपसे भी नीचे स्तर के ज्ञान के व्यक्ति थे, क्योंकि इन्होंने वो भक्ति भी छुटवा दी जिससे थोड़ा बहुत लाभ मिलना था। जैसे घर घर में जोत जलाया जगाई जाती थी जो हवन यज्ञ का काम करती थी, इन राधा स्वामी पंथ धन धन सदगुरु पंथ वाला ने, जय गुरुदेव पंथ वाला ने, वो भी बंद करवा दी और क्या कहते हैं हम तो अंदर ज्योति देखेंगे, अंदर देखेंगे, अंदर की ज्योत जलाएंगे, ये खाक ज्योत जलाएंगे, इन पांचों नाम काल के जाप करें,
और गुमराह किए बैठे सतलोक जान की बात करे, है तेरा गजब भैया।